राम राम जी। सारे ना पुलिस सारे ठीक ठाक हो गए, तो आज की वीडियो में आप बात करांगे हरियाणा के टॉप कॉलेजों के बारे में। ठीक है, जरूरी भाई, मतलब आंकड़े सही ना है कि भाई ये कॉलेज टॉप है, लेकिन भाई जो मतलब आपकी यार डिस्ट्रिक्ट में नियर डियर जो भी कॉलेज है, आप मतलब आपने बेस्ट कॉलेज बताओ भाई जो आपका मतलब बढ़िया कॉलेज रहेगा। ठीक है, तो 11-12 कॉलेज की लिस्ट है, तो मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊँगा। साइड में आपने पिक दिख दी रहेगी भाई, ये कॉलेज है इसकी या पिक है। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपका कॉलेज आओगा वो है पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। ठीक है, इसमें भाई 20 सीट 20 कोर्सेज है। ठीक है, और इसमें भाई MDU के अंडर में कॉलेज आवे। ठीक है, तो आपने साइड में फोटो दिखता भी होगा, हरियाणा का नंबर एक कॉलेज है भाई, ये हरियाणा का पहला कॉलेज भी। ठीक है, उसके बाद है भाई गवर्नमेंट PG कॉलेज हिसार। ठीक है, इसमें 14 कोर्सेज है और GJU यूनिवर्सिटी के अंडर में आवे। ठीक है, आपने भाई जो आपके नियर डियर कॉलेज पढ़ा उसमें एडमिशन लेना जरूरी ना है कि भाई आप मतलब पंचकूला रहते हो और रोहतक है एडमिशन ले हो, आपने जो कॉलेज बढ़िया लगा उसमें एडमिशन लियो। ठीक है, दूसरा नंबर पर जो कॉलेज बताया वो है गवर्नमेंट PG कॉलेज हिसार, 14 कोर्सेज है इसमें भाई, और ये GJU के अंडर में आवे, यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार में ही है। ठीक है, उसके बाद है भाई तीसरे नंबर पर जो कॉलेज है वो है भाई पंडित चिरंजी लाल गवर्नमेंट कॉलेज करनाल। ठीक है, इसमें 19 कोर्स हैं और भाई UKE के अंडर में आवे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जो है उसके अंडर में आवे। ठीक है, उसके बाद जो अपना अगला कॉलेज है वो है भाई आपका गवर्नमेंट PG कॉलेज अम्बाड़ा कैंट। ठीक है, इसमें 17 कोर्सेज है और ये भी भाई KUK के अंडर में ही आवा है। उसके बाद जो अपना अगला कॉलेज है वो है द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम में, जो इसमें 22 कोर्सेज हैं और ये भाई MD यूनिवर्सिटी के अंडर में आवेगा। ठीक है, और उसके बाद जो अपना अगला कॉलेज है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद, इसमें 24 कोर्सेज है भाई और MDU के अंडर में ये कॉलेज भी। और उसके बाद अपना जो अगला कॉलेज है वो है जाट कॉलेज रोहतक। ठीक है, ये भी MDU के अंडर में ही आओ भाई, इसमें भी लगभग भाई 18-19 कोर्सेज हैं। तो और इसके आगे जो आपका कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 गुरुग्राम में भाई, इसमें 13 कोर्सेज हैं आपके और ये भी MDU के अंडर में ही है। ठीक है, और आगे जो आपका कॉलेज है वो है गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, 14 इसमें कोर्सेज है और ये CDLU के अंडर आता है, यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ठीक है, MDU का इसका सिलेबस लगभग सिमिलर रहता है भाई, KUK का भी सिमिलर ही है लगभग। ठीक है, उसके बाद है भाई गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल है, जो इसमें 17 कोर्सेज है और ये भी भाई MDU के अंडर में ही आता है। और जो आपका आखिरी कॉलेज है, ठीक है, वो है KM कॉलेज नरवाना, इसमें 10 कोर्सेज हैं और भाई CRSU के अंडर में आता है। और साथ ही साथ एक कॉलेज है भाई आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज जींद है। ठीक है, ये भी कॉलेज भाई CRSU के अंडर में बढ़िया कॉलेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये मतलब 12-13 जो कॉलेज है ये गिनाए हैं, तो भाई ये मतलब आपके जो नियर डियर कॉलेज रहेगा नहीं, ठीक है, उसमें आप अप्लाई कर देना। ठीक है, हरियाणा की मतलब टॉप कॉलेज में तो आवे कॉलेज, तो इस वजह से भाई मैंने यह वीडियो बनाई है कि आपने जब एडमिशन लेना हो तो आप पजल ना हो कि भाई आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले। ठीक है, अगर आपने रोहतक में एडमिशन लेना है तो रोहतक के जाट कॉलेज हो गया भाई, नेकी राम कॉलेज हो गया, ये दो कॉलेज बता दिए भाई, इनते अलग इनते टॉप कॉलेज रोहतक में कोई है ना है। ठीक है, तो इसी वजह से भाई जो हर डिस्ट्रिक्ट के हिसार का बताया मैंने, जींद का बताया, अम्बाड़ा का, भिवानी का, ठीक है, तो ये कॉलेज है भाई जिस भी मतलब लड़का ने या लड़की ने एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन ले सके। ठीक है, और अगली वीडियो बनावांगे स्पेशल लड़कियों के लिए कॉलेज है भाई, जो मतलब जिसका मतलब जो पेरेंट्स है वो मतलब लड़का और लड़की वाले कॉलेज में अलाउ ना करते, तो स्पेशल लड़कियों के लिए जो कॉलेज है वो वीडियो बनावाएं भाई, शाम तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई, जो भी नए बालक स्टूडेंट्स हैं जिनकी भी एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए नई नई अपडेट लेके आते रहेंगे MDU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो कल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे लगभग भाई, तो सारे बालक अपना एडमिशन लियो। और एक डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं शाम में, तो वह वीडियो ज़रूर देखियो भाई सारे के सारे, क्योंकि वह वीडियो आपके एडमिशन में बहुत हेल्प करेगी। तो होपफुली वीडियो ठीक ठाक लगी होगी भाई, तो वीडियो ने शेयर कर दियो और भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो मिलते जल्दी नई वीडियो में, राम राम।